कहने का भाव क्या है? केवल अष्ट और 108 रत्न की आत्माएं ही काम कर रही है संगम युग में। अभी बाबा की मुरली आप देखो तो बाबा केवल विजय रत्नों को बनाने के लिए रुका हुआ है, बाकी तो सब ऐसे ही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा मेहनत किस पे कर रहे हैं, आप मुरली के एक पॉइंट देखो आप। तो अष्ट रत्न और 108 रत्नों की तपस्या से बाबा का काम हो रहा है। दादी जानकी का सूक्ष्म शरीर कहाँ कहाँ काम कर रहा है वो आपको क्या पता। मैं विशाखापट्टनम गया था तो वहाँ एक सेंटर का बिल्डिंग बन रहा था, दादी जानकी उद्घाटन करने को आने वाले थे, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था और डेट उन्होंने फिक्स कर ली थी कि दादी जानकी को कि उद्घाटन की ये डेट है फिक्स कर ली थी। अब जब उन्होंने वो कमरा बोले ये दादी का रूम है, तो बोले उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था फरवरी में, माना 2-3 महीने बाकी थे, डेट फिक्स कर दी थी दादी की, डेट फिक्स उद्घाटन की और ऐसे युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। तो मैं हंसी में मैंने कहा दादी जानकी का सूक्ष्म शरीर कितनी बार यहाँ आता होगा और कैसे काम होगा आपको पता नहीं है, माना दादी बैठी, आप सब अभी यहाँ बैठे हो, आप सब भक्त आत्माओं को, आपकी भक्त आत्माओं को किस रूप में क्या अनुभव हो रहे हैं वो आपको नहीं पता, साधारण नहीं है ये भट्टी जो हो रही है, आप सबका योग कहाँ किस रूप में कैसे काम कर रहा है वो माना आप अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। तो अष्ट और 108 की तपस्या से हम सोचते हैं मुख्यमंत्री को मैं लेके गया, गवर्नर के पास मैं गया, मधुबन लेके आया, मैंने फलाने को लेके आया, मैं फलाने VIP को लेके आया, आप तो गए लेकिन किसके सूक्ष्म वाइब्रेशन से वो आ रही आत्माएं, समझ रहे। तो स्वदर्शन चक्र घूम रहा है, केवल सिर्फ स्वदर्शन चक्र काम कर रहा है, माना महारथियों की अष्ट की और 108 की तपस्या से ये सत्युग आ रहा है। हम सब आत्माएं, तो हम सब किस लाइन में है वो हमें सोचें।